उनको हाँ बोल देती हैं और पोहा बनाने लग जाती है. सो आई जस्ट कम टू हर एंड से यार ये क्या कर रही हो, मैं वहाँ जाना था, अपॉइंटमेंट था हमारा वहाँ पे. एंड फिर वो एक मोमेंट होता है इसमें कि मेरी आँख में चला जाता है, वो झोंक लगता है, जीरे का झोंक झोंक लगता है, फिर ये आती है फूंक मारती है. जेन्यून कैसे होगा यार, टी वी इंडस्ट्री में क्या चीज़ जेन्यून होती है. एक ऐड भी आता ना, मौका मौका मिला मौका मिला है मौका मौका. सो ऐसे ही मौके कई बार मिल रहे हैं हमें और मिलते रहेंगे आगे. हम देख रहे थे पोहा बन नहीं पाया, क्या क्या सोच में पड़ गई थी आप? अच्छा नहीं, पोहा बनाते बनाते मुझे बचपन की यादें आ जाती, कैसे मेरी मम्मा ने मुझे पोहा सिखाया था, हर एक चीज़ अच्छे से काटना, उसको डालना, पोहे को पोहे को भिगोना, फिर उसको छानना, वो सब मुझे याद आके मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ क्या जितने टाइम के बाद में पोहा बना रही हूँ. अच्छा इसी पहले वाली टीम में मुझे कहा जब तैयार हो रही थी अभी, तो आप मन ही मन आपने आप में निहार है तो उनको मैंने पोहा बनाया. हाँ मैं निहार इसलिए रहा था क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या इनके दिल में भी थोड़ा बहुत वो लव वाला एंगल है या नहीं. बिकॉज कहीं ना कहीं मैं जाता हूँ और मैं बेड पे मंगलसूत्र रखता हूँ एंड आई जस्ट विश कि ये मंगलसूत्र उठाती है नहीं उठाती, तो मैं देखना चाहता हूँ. तो हम जैसे एग्जिट लेते हैं मैं वहाँ पे सैड हो जाता हूँ. एग्जिट लेने के बाद ये एक स्टॉप देती हैं, बोलती हैं नील एक मिनट है, मैं वापस आती हैं, मंगलसूत्र उठाती हैं और पहनती हैं. एंड आई ओके ठीक है, लड़की मुझसे प्यार करती है. ओके नासी आज वो और आपका भी. थैंक यू अच्छा लगा है. मेरी अच्छी लग रही है, रेड हॉट लग रही है एकदम, लाल मिर्ची जैसी. शायद उसी का जो वो भी लगा, उसी का जोक भी लगा था, लाल मिर्च. इन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू लिया और उसमें डाल दिया और जोक लगा. इस में रियल वाला लगेगा शायद. किचन को भी नहीं बोला शायद से, मतलब मौके मौका मिल गया. हर रूम में रोमांस आना चाहिए नामकरण में, मेरा ये कहना है. एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ आई थिंक, बिकॉज इससे पहले जो सीन हुआ वो जिसमें कि बेबी मुझे खाना बनाने के लिए बोलते हैं और हाँ. मैं जाती हूँ बनाती हूँ क्योंकि हमारे एक पर्पज़ है, हमें बाहर जाना है. जो एक जो हमारा मोटिव है जिस वजह से इनकी इनका उनकी मॉम की माँ का बदला लेने के लिए हम बाहर जा रहे हैं मिताली से मिलने के लिए. और ये जल्दी में है, जल्दी में है और ये जल्दी जल्दी जाके मॉम को हाँ बोल देती हैं और पोहा बनाने लग जाती है. सो आई जस्ट कम टू हर एंड से यार ये क्या कर रही हो, मैं वहाँ जाना था, अपॉइंटमेंट था हमारा वहाँ पे. एंड फिर वो एक मोमेंट होता है इसमें कि मेरी आँख में चला जाता है, वो झोंक लगता है, जीरे का झोंक झोंक लगता है, फिर ये आती है फूंक मारती है. जेन्यून कैसे होगा यार, टी वी इंडस्ट्री में क्या चीज़ जेन्यून होती है. एक ऐड भी आता ना, मौका मौका मिला मौका मिला है मौका मौका. सो ऐसे ही मौके कई बार मिल रहे हैं हमें और मिलते रहेंगे आगे. हम देख रहे थे पोहा बन नहीं पाया, क्या क्या सोच में पड़ गई थी आप? अच्छा नहीं, पोहा बनाते बनाते मुझे बचपन की यादें आ जाती, कैसे मेरी मम्मा ने मुझे पोहा सिखाया था, हर एक चीज़ अच्छे से काटना, उसको डालना, पोहे को पोहे को भिगोना, फिर उसको छानना, वो सब मुझे याद आके मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ क्या जितने टाइम के बाद में पोहा बना रही हूँ. अच्छा इसी पहले वाली टीम में मुझे कहा जब तैयार हो रही थी अभी, तो आप मन ही मन आपने आप में निहार है तो उनको मैंने पोहा बनाया. हाँ मैं निहार इसलिए रहा था क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या इनके दिल में भी थोड़ा बहुत वो लव वाला एंगल है या नहीं. बिकॉज कहीं ना कहीं मैं जाता हूँ और मैं बेड पे मंगलसूत्र रखता हूँ एंड आई जस्ट विश कि ये मंगलसूत्र उठाती है नहीं उठाती, तो मैं देखना चाहता हूँ. तो हम जैसे एग्जिट लेते हैं मैं वहाँ पे सैड हो जाता हूँ. एग्जिट लेने के बाद ये एक स्टॉप देती हैं, बोलती हैं नील एक मिनट है, मैं वापस आती हैं, मंगलसूत्र उठाती हैं और पहनती हैं. एंड आई से ओके ठीक है, लड़की मुझसे प्यार करती है. ओके नासी आज वो और आपका भी. थैंक यू अच्छा लगा है. मेरी अच्छी लग रही है, रेड हॉट लग रही है एकदम, लाल मिर्ची जैसी. शायद उसी का जो वो भी लगा, उसी का जोक भी लगा था, लाल मिर्च. इन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू लिया और उसमें डाल दिया और जोक लगा. इस में रियल वाला लगेगा शायद. थैंक यू सर. थैंक यू. किचन को भी नहीं बोला शायद से, मतलब मौके मौका मिल गया. हर रूम में रोमांस आना चाहिए नामकरण में, मेरा ये कहना है. एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ आई थिंक, बिकॉज इससे पहले जो सीन हुआ वो जिसमें कि बेबी मुझे खाना बनाने के लिए बोलते हैं और हाँ. मैं जाती हूँ बनाती हूँ क्योंकि हमारे एक पर्पज़ है, हमें बाहर जाना है. जो एक जो हमारा मोटिव है जिस वजह से इनकी इनका उनकी मॉम की माँ का बदला लेने के लिए
हम बाहर जा रहे हैं मिताली से मिलने के लिए, जल्दी में है, जल्दी में है, और ये जल्दी जल्दी जाके मॉम को हाँ बोल देती हैं और पोहा बनाने लग जाती है। सो आई जस्ट कम टू हर एंड से यार ये क्या करें, हमें वहाँ जाना था, अपॉइंटमेंट था हमारा वहाँ पे। एंड फिर वो एक मोमेंट होता है इसमें कि मेरी आँख में चला जाता है, वो झोंक लगता है, जीरे का झोंक झोंक लगता है, फिर ये आके फूंक मारती है। या मौका जेन्यून कैसे होगा यार, टी वी इंडस्ट्री में क्या चीज़ जेन्यून होती है। एक ऐड भी आता ना, मौका मिला, मौका मिला है, मौका। सो ऐसे मौके कई बार मिल रहे हैं हमें और मिलते रहेंगे आगे। हम देख रहे थे पोहा बन नहीं पाया, क्या सोच में पड़ गई थी यार? अच्छा नहीं, पोहा बनाते बनाते मुझे बचपन की यादें आ जाती, कैसे मेरी मम्मा ने मुझे पोहा सिखाया था, हर एक चीज़ अच्छे से काटना, उसको डालना, पोहे को पोहे को भिगोना, फिर उसको छानना, वो सब मुझे याद आके मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। क्या जितने टाइम के बाद में पोहा बना रही हूँ। अच्छा इसी पहले वाले सीन में मुझे कहा जब तैयार हो रही थी अभी, तो आप मन ही मन आपने आप में निहार है, हाँ मैं निहार इसलिए रहा था क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या इनके दिल में भी थोड़ा बहुत वो लव वाला एंगल है या नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं जाता हूँ और मैं बेड पे मंगलसूत्र रखता हूँ एंड आई जस्ट विश कि ये मंगलसूत्र उठाती है नहीं उठाती, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो हम जैसे एग्जिट लेते हैं मैं वहाँ पे सैड हो जाता हूँ। एग्जिट लेने के बाद ये एक स्टॉप देती हैं, दे बोलती हैं नी लेक मिनट, हमें वापस आती हैं, मंगलसूत्र उठाती हैं, पहनती हैं, एंड आई से ओके ठीक है, लड़की मुझसे प्यार करती है। ओके नासी आज वो रेड साड़ी लुकिंग वेरी प्रीटी और आपका भी, थैंक यू थैंक यू। अरे हम भाई अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छी लग रही है, रेड हॉट लग रही है एकदम, लाल मिर्ची जैसी। शायद उसी का जो वो भी लगा, उसी का जोक भी लगा था, लाल मिर्च, इन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू लिया और उसमें डाल दिया और जोक लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।